हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर आपके बहुत डिमांड पे जो आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर जो अभी आपका होने वाला है उसका यूनिट्स वन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अब मैं उसके यूनिट टू का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। यूनिट वन में आपको बताया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग, उसका नेचर, स्कोप, यूटिलिटी थ्योरी, साथ में डिमांड का बहुत बड़ा पोर्शन था जिस पे मैंने 100 क्वेश्चंस कवर किए। फिर मैं यूनिट टू पे आ रहा हूँ। यूनिट टू हमारा प्रोडक्शन, जो हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड सब्जेक्ट मैटर है प्रोडक्शन, इसमें थ्योरी ऑफ कॉस्ट है, इसमें प्रोडक्शन थ्योरी है, इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, लॉ ऑफ रिटर्न्स है, रिटर्न टू स्केल्स है, एक्सपेंशन पाथ है, इस पर डिफरेंट चीज़ें जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो यहाँ पे है। और इस पर ही मैंने लमसम 100 क्वेश्चंस कवर किया है। मैं जानबूझ के थोड़े क्वेश्चंस बढ़ाता हूँ जिससे कि आप सेफ रहें, जिससे अगर मैं आपको कम क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहाँ रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में लाना चाहता हूँ कि कहीं से भी पेपर्स आपके आए उसमें आपको आराम से आपका पढ़ा हुआ पोर्शंस मिल जाए, आपका ही प्रॉब्लम ना हो। कुछ बच्चे हमसे कह रहे सर क्वेश्चन ज्यादा हैं, क्वेश्चन ज्यादा नहीं, मैं आपको सेफ जोन में लेके आना चाह रहा हूँ। आइए, 100 क्वेश्चंस को पढ़ने में बहुत समय लगता है आपको। देखिए, हम लोग यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर यूनिट टू पे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको साफ, टोटल कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ, पता है ना आपका टोटल कॉस्ट जो होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन टू पे आता हूं। वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन बाय, वेरिएबल कॉस्ट को हम किस और नाम से जानते हैं, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, ये ऑल सब वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। ओके, आई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर थ्री, कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ जाए, घटने से घट जाए, उस कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। यानी हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एंड, फिक्स कॉस्ट के बहुत से नाम है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है, ओवर हेड्स कॉस्ट भी है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी है, यानी यहाँ ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होगा आपका। क्वेश्चन नंबर फाइव पे आता हूँ। फाइव, कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ, वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने से बढ़ता नहीं है, घटते से घटता नहीं है, ऐसे कॉस्ट को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, जो प्रोडक्शन के हर लेवल पे। आप यहाँ आए, अगर ये हमारा आउटपुट का लेवल है तो फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हर लेवल पे ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, सेम होगा, इसी को हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ये एक्स एक्सिस पे पैरेलल होता है, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए। कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ, अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आए तो एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी हमारा टोटल कॉस्ट में ही आता है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन था। सेवन पे आता हूं। विच कर्व इज नॉट अफेक्टेड बाई फिक्स कॉस्ट, यानी कौन सा ऐसा कर्व है जो फिक्स कॉस्ट के घटने बढ़ने से रिलेटेड नहीं होगा, वो है आपका मार्जिनल कॉस्ट। क्या है मार्जिनल कॉस्ट को, एक एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने से जो कॉस्ट बढ़ती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एक एडिशनल यूनिट्स को प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट आएगी उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इसका फिक्स कॉस्ट से कोई भी मतलब नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, क्या है एट, दिस शेप ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज, अभी आपको जस्ट बताया मैंने कि टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व जो होता है वो इस तरह होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट ये प्रोडक्शन के हर लेवल पे क्या होता है आपका, कॉन्स्टेंट होता है। प्रोडक्शन कम हो ज्यादा हो, इवन जीरो प्रोडक्शन पे भी फिक्स कॉस्ट आएगा, ठीक है। ये है हमारा यहाँ पे, यानी इसमें आंसर हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल की तरह ही होता है यहाँ पे, ये हमारा है। ओके ना, चलिए नेक्स्ट पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन क्या है पढ़िए।
व्हेन चेंज इन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। अगर हम कहें क्या बात आ रही है, चेंज इन टोटल कॉस्ट, फिर चेंज इन आउटपुट यानी क्वांटिटी, ये कॉस्ट जो हमारी होगी ये हमारी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है, ठीक है ना। और ये हमारा ये आंसर हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 10। एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स कॉस्ट, जब आउटपुट बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, फिक्स कॉस्ट तो कॉन्स्टेंट है लेकिन प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ एवरेज फिक्स कॉस्ट घटता जाएगा। अब यहां किसकी बात कर रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। अगर आप देखिए तो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा, आपका घटता जाएगा, यानी ये कुछ इस तरह आपको ये दिखाई देगा, इस तरह आपको दिखाई देगा, ये ज्यादा होगा फिर ऐसे घटते घटते ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा AFC हो जाएगा। और वहीं अगर TVC की बात करते तो ये ऐसे होता है, ये बात करते तो TFC ऐसे होता हमारा, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है, तो स्टार्ट फॉलिंग, ये गिरना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 11 पे आइए, लॉन्ग रन डज नॉट हैव, लॉन्ग रन में क्या नहीं होता है, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर, सारे कॉस्ट क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। तो लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, सारे कॉस्ट वेरिएबल हो जाते हैं। फिर अमंग फॉलोइंग विच स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है, ये देखिए इसमें देखो तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा ऑप्शंस है, देख रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आइए नेक्स्ट पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिफाइंड एज, एवीसी की बात हो रही है, एवीसी कैसे होगा, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। देखिए इसमें ऑप्शन होगा, ये देखिए ये टीवीसी अपॉन क्वांटिटी, ये देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 14 पे आते हैं, व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर अर्निंग भी है, अल्टरनेटिव फॉरगन भी है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहलाता है, ये हमारा सब होगा इसमें, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ऑल ऑफ हो जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट इज कॉल्ड, पर यूनिट कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, यानी ना एवरेज कॉस्ट को हम पर यूनिट कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, 16 पे आते हैं, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्लोजली रिलेटेड, इनमें से कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो मार्जिनल कॉस्ट के क्लोज होता है, वेरिएबल कॉस्ट, ये है आपका ऑप्शंस। बहुत से जगहों पे मार्जिनल कॉस्ट या वैल्यू कॉस्ट पे कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, दोनों सिनोनिम्स की तरह काम करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, द वर्टिकल डिफरेंसेस बिटवीन टीबीसी एंड टीसीज। अब देखिए अगर मैं कहूं आपको तो टीबीसी यानी कि देखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़े आप ना, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यही होता है। और कह रहा है कि ये किसके बराबर होता है, देखिए इसमें टीवीसी एक है एंड टीएफसी, ये देखिए आ गया यहाँ पर, एकदम कॉन्सेप्ट है सारी चीजें, पूरा इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्चुअल होता है, आपको ये पता है, पूरी कॉस्ट थ्योरी पे चल रहे हैं हम लोग। 18, डैश डैश इज ऑल्सो नोन प्लानिंग, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट को हम लोग प्लानिंग कॉस्ट और इसी को एनवेलप कॉस्ट भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा इसमें, विच कॉस्ट इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। 20, ऑल ऑफ फॉलोइंग आर यू सेव्ड स्कोप एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा कॉस्ट, जनरली कॉस्ट कॉप्स मैक्सिमम यू सेव्स में जाते हैं, यू सेव्स में जाते हैं, बट एएफसी जो होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये मैं बताया ये ऐसे आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, बट अगर ये यू सेव है ना, एएफसी को छोड़ के सारे कॉस्ट कॉप जो होंगे वो क्या होंगे, यू सेव में होंगे, तो यहां एएफसी हमारा आंसर होगा। 21, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स एट फर्स्ट एंड देन अपवर्ड्स, सही है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है ना, ये पहले क्या होता है, ये एवरेज कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, ये घटेगा और फिर ऐसे जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ये
तो ये हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, यानी कि पहले घटेगा और फिर क्या होगा अपवर्ड्स बढ़ेगा। 22 प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है, क्या लगाएं तो क्या मिलेगा, इनपुट लगाए बिना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इट्स रिजल्ट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट 23 इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पांच होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इनमें से कौन सी थ्योरी शॉर्ट रन में आता है, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में आता है। ओके, 25 लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में आता है। 26 इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अ रेशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो लाइफ टाइम, मैक्सिमम टाइम वो किस स्टेज पे प्रोडक्शन करता है, तीन स्टेज होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न। इसके बाद बात बाहर है, जब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस तो वहां आता है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में एपी एमपी टीपी सब बढ़ते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब फिक्स फैक्टर्स में प्रोडक्शन, फिक्स फैक्टर्स में डेप्रिसिएशन स्टार्ट नहीं होता है। ये बहुत थोड़े समय के लिए प्रोड्यूसर्स इस स्टेज को अटेंड कर पाता है। एक जब फिक्स फैक्टर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिक्स फैक्टर में डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है और उसके बाद आपका ये एपी एमपी गिरना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेज में ये सब गिरते हैं, जो लास्ट स्टेज होता है, सॉरी सेकेंड स्टेज में सब गिरते हैं, टीपी बढ़ता हुआ होता है बट एपी एमपी गिरता है। तो इसमें थर्ड स्टेज में जो एमपी होता है वो निगेटिव हो जाता है और निगेटिव होने पे प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय घट जाता है। तो कभी प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज में नहीं जाना चाहता। थर्ड स्टेज में अगर वो प्रोडक्शन करता है तो बेवकूफ कहलाएगा। फोर्थ स्टेज एक प्रोड्यूसर अब बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाता उसमें। तो एक प्रोड्यूसर अपने लाइफ टाइम में सबसे ज्यादा टाइम सेकेंड स्टेज में पास करता है, जहां पे टीपी तो बढ़ता है, एपी और एमपी ये सब घटते हैं। ठीक है ना, ये ऊपर की ओर होता है और ये क्या होता है, नीचे की ओर होता है। ठीक है, आइए इसी यही यू कैन से यही पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात होती है। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन एक्सप्लेन्स थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इन फर्स्ट स्टेज में एपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं, अभी मैंने इसके बारे में बताया, और भी क्वेश्चंस आएंगे। 28 एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंज। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं, सुनिए ध्यान से। शॉर्ट रन थ्योरी जो होगी, शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक फैक्टर आपका फिक्स रहता है लाइक लैंड, और फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, बट लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट 29 विच ऑफ फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, सब मैंने कहा ना प्रोडक्शन के पांच फैक्टर्स होते हैं, यहां तीन के बारे में कहा है। 30th चेंजेस इन प्रोडक्शन क्वांटिटी अफेक्ट्स। प्रोडक्शन क्वांटिटी का घटना बढ़ना क्या कह रहा है, इससे किस कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट पे। प्रोडक्शंस के घटने से वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाता है, प्रोडक्शंस के बढ़ने से वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। देयर आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फाइव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मैं बताया हूं आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड है, फिर लेबर है, फिर कैपिटल है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर इंटरप्राइजेस है, ये हमारे पांच फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 32 एंड एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर को एक्टिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट 33 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस क्या है, कॉस्ट ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहा था। 34 फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, यानी एसी और एमसी की बात की जाए तो क्या रॉन्ग है। बोथ एसी एमसी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम टीसी, एसी और एमसी दोनों टोटल कॉस्ट से निकाले जाते हैं। एसी फॉल्स एमसी विल राइज, रॉन्ग, दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। ओके आई 35 ब्रेक इवन पॉइंट्स में टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होता है, ये हमारा ऑप्शन होगा जहां टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर होता है, वो कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स। हर प्रोड्यूसर, हर बिजनेसमैन चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन पॉइंट्स को कवर कर ले, जिसको हम लोग बीईपी कहते हैं। ये अकाउंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी काउंट की जाती है। ये 36 Among following which item is included in the money cost? अब all हो जाएगा, explicit भी आता है, implicit भी आता है, सब इसमें आएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। Okay, next 37 When average cost falls with an increase in output, marginal cost always remain. यानी जब एवरेज कॉस्ट गिरेगा तो मार्जिनल कॉस्ट रिमेन लोअर, हमेशा सबसे लोवेस्ट पॉइंट्स पे होगा। ओके 38 Among following which statement is true? क्या सही है? Long run average cost कब is envelope cost? यही पहला ही आपका सही है ये। ठीक है? Next 39 List cost combinations will be attained on the points where ये आपका marginal MRT। ठीक है? यही पहला होगा आपका। ठीक है? Next आइए। लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन एक प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताता है। वह पॉइंट जहां कॉस्ट सबसे लिस्ट होती है, कम होती है, वहां प्रोड्यूसर ऑप्टिमम प्रोडक्शंस के लिए जाता है। फिर 41 द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल इज लॉन्ग रन, ये लॉन्ग रन के लिए होता है। 42 When a proportionate increase in inputs leads to a less than proportionate rise in output, the form is decreasing return. तीन returns होते हैं, increasing returns, diminishing return, constant return. ध्यान सुनेगा, increasing return जब हम input में जो change करते हैं, यानी कि labor जितना बढ़ा रहा है, production उससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो increasing return. अगर लेबर में जितना इंक्रीज कर रहा है उतना ही इंक्रीज प्रोडक्शन में हो रहा है, तो कांस्टेंट रिटर्न। लेबर जितना इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट उससे कम रेशियो में बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न। और ये हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं इसको। 43 अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन डिफिसिट स्केल कहलाता है। 44 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द एवरेज कॉस्ट फंक्शन, इसमें से क्या सही है? आप देखिए, मैं बताया था ना, एवरेज कॉस्ट जो होता है आपका, यानी एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यही तो होता है। और इसमें आप क्या निकालना चाहते हैं? ए टी सी माइनस ए वी सी इज इक्वल टू ए एफ सी, यही देखिए, यही हमारा राइट आंसर है। इसमें पीछे भी क्वेश्चन आया था हम लोग का। 45 इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ अ फर्म इंक्रीजेस द एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट इन एवरेज फिक्स कॉस्ट घटेगा, जब आउटपुट बढ़ेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट घटेगा। 46 एक्सपेंसेस ऑन रॉ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरीज में आता है, तो जितना बनाएंगे उतना मटेरियल लगेगा, तो प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ मटेरियल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट से कटरी में आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइजेस ड्यू टू अनस्पेसिफाइड फैक्टर्स ऑफ दिया जाए। 48 व्हेन एडिशनल यूनिट्स इज प्रोड्यूस व्हेन द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट, एक एडिशनल यूनिट्स के बनाने पे जो कॉस्ट आती है वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 49 एवरेज कॉस्ट इज द इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वेयर, जहां कब एसी यानी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट कब इक्वल होंगे? जहां एसी सबसे लोवेस्ट होगा। ओके 50 कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ फॉलोइंग ऑप्टिमम आउटपुट लेवल, यानी कॉस्ट जो कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप किस में हेल्प करता है? ऑप्टिमम आउटपुट लेवल्स के लिए। 51 लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज, इसको दोनों कहते हैं ये प्लानिंग और एनवेलप, पहले भी ये क्वेश्चन आया था। 52 द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस
इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन. लॉ ऑफ रिटर्न्स भी शॉर्ट रन है, लॉ ऑफ वैल्यू पोजिशन भी शॉर्ट रन है, बट रिटर्न टू स्केल्स लॉन्ग रन थ्योरी है. 53. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल ओनली इन इंडस्ट्रीज, एप्लीकेबल ओनली इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन टू एवरी हर जगह. पहले कुछ लोग कहते थे कि ये सिर्फ एग्रीकल्चर में अप्लाई होता है, लेकिन अब नई थ्योरीज में, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये कहा जाता है कि हर जगह अप्लाई होता है. 54. कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन रिलेशनशिप बिटवीन, ये आएगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. 55 क्या है? द आउटपुट कर्व अराइजेस टुवर्ड्स द ओरिजिन. दिस characteristics of the output curve is based on a diminishing rate of technical substitution. ये 56. What is the extension path? Extension path is ratio line. 57. The slope of extension path depends upon the cost of relatively resources. दोनों होगा आपका A and B both. 58. A producer's equilibrium is established when the ISO cost line touches, right? यही है. Next, 59. When the slope of output curve and the slope of ISO cost line equal, it is called minimum cost combination of factors. जहां दोनों equal होंगे. 60s. To find out the optimal combinations of resource, one must know the output map. ये दोनों हो जाएगा. Question number 61. The return to scale, पता ही आपको, sum of means remain constant and sum of means are variable. The quantity of all the factor is changed. The quantities of all the resource are changed. मैं बता रहा, इसमें सब कुछ change होता है, सारे factors. आउटपुट कर्व ऑब्लिक आईएसओ प्रोडक्ट्स कर्व क्या करे, सो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स दैट गिव द सेम आउटपुट, यही आपका होगा. आईएसओ प्रोडक्ट्स कर्व और या आउटपुट कर्व के बारे में है ये. द मेन रीजंस फॉर अप्लाइंग इंक्रीमेंटल रिटर्न टू स्केल, इफिशियंसी, सेफ, Individuality, specification, सब होगा, all होगा इसमें. 64. To increase the scale of production, the quantity of the means of production is increased. The ratio, the means remain, यानी सब इसमें remain unchanged होगा. 65. The ideas of ratio and scale respectively related to short run and long run. Short run and long run. 65 हो गया. 66. The long run production function is related to, long run production function जो होता है वो return to scales पे होता है. ठीक है, questions कई बार different तरह से आ चुका है. Which of the following arises due to the internal and external savings increasing return to scales? 68. When the proportional change in output is less than the proportional change in the quantity factor proportion, ये decreasing returns, यानी कि diminishing returns है, कह लीजिए, ये उससे. 69. Increasing production beyond a certain limits gives non-saving. यानी कि अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आ जाएगा बढ़ाने का, अब कोई सेविंग नहीं होगा, उल्टा आपको लॉस होगा. 70. ऑन इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन टू अ सर्टेन एक्सटेंट एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करेगा. 71. इन द लॉन्ग रन इफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज इंक्रीज बियॉन्ड द आइडियल पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्शन देन प्रोड्यूसर्स गेट अ फॉलोइंग, यहां भी नॉन सेविंग होगा. 72. इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स माइनस इम्प्लिसिट प्रॉफिट्स कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉफिट्स कहते हैं. इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन मींस अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इन इकोनॉमिक्स होगा. ठीक है, यूटिलिटी.
प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी होता है. 74. प्रोडक्शन फंक्शन इज अ डिपेंडेंट फंक्शन, डिपेंड करता है, ठीक है, ये किसी न किसी लेबर पे, कैपिटल पे, या कह सकते हो कि कैपिटल, लेबर, लैंड के ऊपर डिपेंड करता है. मार्जिनल प्रोडक्ट्स कैन बी एमपी, एमपी की बात कर रहा है. एमपी जो है वह पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. एमपी आपका ऐसे बढ़ेगा, ऐसे घटेगा, और घट के ये एक्स एक्सिस के नीचे 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 भी आ जाएगा. ये होता है एमपी का पोजीशन, ठीक है. आगे नेक्स्ट, यानी कि ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. 76. व्हेन एमपी कर्व इंटरसेक्ट एपी कर्व, एपी इज क्या होगा वहां पे, व्हेन एमपी और जहां पे एमपी दोनों जब काटते हैं सब, जहां ये दोनों, ये आपका एमपी हो गया, यहीं से ये उठेगा और ये जहां हाईएस्ट होगा ऐसे, ठीक है. तो जहां पे ये काटेगा वहां एपी जो है, ये एमपी है, ये हाईएस्ट होगा आपका, मैक्सिमम होगा, ठीक है. नेक्स्ट 77. इन इंक्रीजिंग रिटर्न्स एपी एंड एमपी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में एपी एमपी दोनों बढ़ते हैं, कांस्टेंट रिटर्न में दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं. सेम क्वेश्चन आने वाला है. इन कांस्टेंट रिटर्न दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं. कांस्टेंट रिटर्न में ये हो जाता है एपी और ये हो जाता है एमपी, ठीक है. अगर मैं यहाँ आऊँ, अगर यहाँ पे आए आपको दिखाएं, इस केस में अगर बात करें, तो जो मैंने बताया कि ये इनक्रीजिंग रिटर्न्स, ये राइस वाला बताया था मैंने आपको, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे दोनों जो हैं वो बढ़ते हुए होंगे. ये एमपी ज़्यादा बढ़ेगा और एपी कम बढ़ेगा, ये आपका सिचुएशंस होगा इंक्रीजिंग में, ठीक है. और यहाँ बताया मैंने आपको कांस्टेंट में क्या होगा, कि दोनों कांस्टेंट में ये दोनों एपी और एमपी इस फॉर्म में होंगे. और डिमिनिशिंग में अगर आप आएंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न में एपी और एमपी ये दोनों घटेंगे, ये इस तरह होगा, ये आएगा और एमपी कम होगा और एपी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है. ये रेशियोज होंगे आपके. आइए नेक्स्ट 80 में आते हैं. 80. Which of the following are the assumptions of the law of variable proportions? ये क्या है, पढ़िए. The state of technology unchanged, सही है. All variable factors are homogeneous, सही. यानी all होना चाहिए, दोनों तो मैच कर गया, यानी all होगा. 81 में आइए. In production stage 2, the total products, stage 2 में total products क्या होता है, बढ़ता है, but वो in decreasing rate से बढ़ता है. फिर द सेकेंड स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस रिटर्न्स एंड्स व्हेन, सेकेंड स्टेज में जहां एंड होता है वहां पे एमपी जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है ना. सेकेंड स्टेज में जहां प्रोडक्शन के सेकेंड स्टेज जहां एंड होता है वहां एमपी जीरो होता है, और उसके बाद एमपी नेगेटिव हो जाएगा. इन द थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एमपी जीरो, एमपी नेगेटिव हो जाएगा. 84. लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न टू, इसके लिए क्वेश्चंस पहले भी आया है. 85. प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड, यही है आपका, यानी किसी ए में चेंज होने से फंक्शंस करेगा और प्रोडक्शन चेंज होगा, लेबर में चेंज होने से चेंज होगा, ठीक है. 86. विच फैक्टर्स वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस, शॉर्ट रन में फिक्स भी होता है वेरिएबल, दोनों होते हैं. एक फैक्टर एटलीस्ट फिक्स होता है, अदर फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं. 87. The cycle which increases first and after being constant starts to reduce is called. यानी शुरू में बढ़ता है, constant में घटता है, तीनों AP, हम बात कर रहे हैं आपका TP, AP and MP. ये तीनों शुरू में बढ़ते हैं, घटते हैं, यानी कि constant होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है, constant होते हैं, और फिर क्या होते हैं, घटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. 88. लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शंस रिलेटेड टू शॉर्ट रन थ्योरी, बता चुका हूं पहले ही आपको. 89. विच ऑफ फॉलोइंग इज द इंक्लूडेड इन द मनी कॉस्ट, मनी कॉस्ट में क्या शामिल है, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी है, एक्सप्लिसिट भी, सब शामिल है इसमें मनी कॉस्ट में. 90. व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोडक्शन इज शट डाउन, वेरिएबल कॉस्ट, एवरी वेरिएबल कॉस्ट बिकम जीरो. 91. The shape of average cost curve, U shape होगा average cost curve. फिर 92. Which is the method of
प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ये प्रोड्यूसर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये टी आर टी सी भी है, ये दोनों दोनों मेथड हो जाएंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के। 93 विच इज द इंटरनल इकोनॉमिक्स, टेक्निकल इकोनॉमिक्स इंटरनल है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेशन है, ये सब हो जाएगा, ऑल हो जाएगा इंटरनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स अक्रूज व्हेन अ फॉर्म, नहीं, इंडस्ट्रीज एक्सपेंड करेगा तो। 95 इंटरनल इकोनॉमिक्स अक्रूज व्हेन, यहां पे अ फॉर्म एक्सपेंड करेगा तो। स्टेज टू ऑफ लॉ ऑफ एरो प्रोपोर्शंस बिगिंस वेयर द एवरेज कॉस्ट, स्टेज टू में एवरेज कॉस्ट मानो का दोनों घटने शुरू हो जाते हैं, बिगिंस टू फॉल, एपी जो है वो इस केस में घटना शुरू हो जाता है। 97 एमसी कॉप कॉस्ट एसी कॉप व्हेन एसी लोवेस्ट होता है, जहां दोनों आपस में काटते हैं वहां है जहां एसी इज इक्वल टू एमसी होता है, और उस केस में जो एसी होता है वो लोवेस्ट होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 98 इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स मींस रिडक्शन इन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 99 एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी हाईएस्ट होता है, ये फर्स्ट स्टेज में होता है लॉ ऑफ एरो प्रोपोर्शन से। एंड 100 इट हैज इन्वर्टेड एस शेप कर्व, ये टीवीसी होता है जो एस शेप के अगेंस्ट होता है। डन, एनी बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट यूनिट टू, जिसमें हमारा टॉपिक्स है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी, मैंने एक सारे क्वेश्चंस कवर किए, एक एक कंटेंट्स कवर किया, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आपको इससे मिलता जुलता क्वेश्चंस मिलेगा। वीडियो को बार बार देखिए, कहीं अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर में डाउट्स है तो कमेंट्स करिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, मे भी हो सकता है कि मुझसे कहीं गलती हो जाए तो मैं आपको वहां एक्सप्लेन करूंगा। बार बार देखिए, आपका कल आपका एग्जाम्स हैं और दोनों इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर के दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, दोनों में 100-100 क्वेश्चंस हैं और बहुत से क्वेश्चन रिपीट्स भी हुए हैं, एक क्वेश्चंस कई बार पैटर्न्स कर चेंज पूछा गया है। तो ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर फर्स्ट का यूनिट टू है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, कमेंट बॉक्स में डाउट्स लिखिए और प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए, इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा अपने इकोनॉमिक्स के पेपर में। फिर बहुत जल्दी आपके साथ मैनेज इकोनॉमिक्स का पेपर टू का यूनिट्स फर्स्ट का वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक।